हैं जूडा के साथ जो रसा कशी मध्य प्रदेश में एक सप्ताह से रही है, उसने आपको हमको सबको बहुत परेशान किया है, क्योंकि जूडा जो है वो हमारे मेडिकल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। मध्य प्रदेश से अच्छी खबर ये है कि यहाँ जूडा ने हड़ताल खत्म कर दी है। आखिर जूडा को स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का, उनका जो ये हड़ताल वापस लेने का फैसला है, ये उन्होंने क्यों किया, देखिए ये खास रिपोर्ट। स्ट्राइक कॉल ऑफ, काम पर लौटा जूडा, फुट के बाद छोड़ा हट, कानूनी हंटर का भी था डर। आखिरकार आठवें दिन जूडा की हड़ताल खत्म हो गई। जूनियर डॉक्टर पिछले हफ्ते भर से बेहाल मरीजों के इलाज करने में जुट गए। खास बात यह रही कि जूनियर डॉक्टर्स में फूट पड़ने के बाद पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। सबसे पहले ग्वालियर और रीवा में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। उसके बाद भोपाल में प्रदेश जूडा के पदाधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की और हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। एक दिन पहले मांगों को पूरा करने सरकार से लिखित आदेश की डिमांड करने वाला जूडा संगठन में फूट के बाद मजबूर हो गया। दूसरी तरफ सरकार कोर्ट के आदेश के बाद मजबूती से अड़ी रही। सरकार ने जूडा पर कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। यही बड़े कारण रहे कि आर पार की धमकी देने वाले जूनियर डॉक्टर्स के सामने सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जी, हड़ताल खत्म हो चुकी है, हमारी मांगे सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। इन चीज़ों को लेते हुए जूडा अब जल्द से जल्द काम पे वापस लौट जाए। लेकिन आश्वासन को लेकर मंत्री जी ने हमारी सारी मांगों का एक एक करके घोषणा जैसे कर दिया है, अब उसके आदेश पारित होने का मंत्री जी ने शाम तक का बोल दिया, तो जैसे आदेश निकल जाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छी सहमति बन जाएगी, सब खुशी मिलेगी। दूसरी तरफ हड़ताल खत्म होने से सरकार ने भी राहत की सांस ली। हड़ताल ऐसे समय शुरू हुई जब कोरोना संक्रमण दर अपने ढलान पर था। यदि हड़ताल कोरोना के पीक टाइम में होती तो हालात संभालना मुश्किल होता। सरकार अब आगे जूडा के मुद्दे पर कैसे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी, ताकि बार बार ऐसे हड़ताल के हालात ना बने। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो ग्रामीण इलाकों में अनुबंध को लेकर 2 महीने में निर्णय लेगी। सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में भी 17% की वृद्धि की है। हड़ताल समाप्त हो गई, हमारी प्रसन्नता की बात है कि हमारे छोटे भाई जूनियर डॉक्टर्स ने हमारी बात को माना है और उन्होंने बिना शर्त के स्ट्राइक वापस की। पर हमने जो कहा था कि हम स्टाइपेंड में उनको 17% की बढ़ोतरी देंगे, हम दे रहे हैं, क्योंकि जो बाकी चीज़ें थी वो भी हम मान लेंगे। हड़ताल खत्म होने के बाद सबसे बड़ी राहत उन मरीजों को मिली है जो प्रदेश के तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार ने हड़ताल के दौरान जिन डॉक्टर्स को कार्रवाई के नोटिस दिए थे उन्हें वापस लिया जा रहा है। जूडा के समर्थन में ग्वालियर के जिन 46 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को बर्खास्त किया गया था उनके आदेश भी वापस हो रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट में भी अवमानना को लेकर लगी याचिका की सुनवाई में सरकार जूडा पर नरमी की अपील कर सकती है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।